जो मूवी मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसका नाम है मनु द स्विफ्ट। और इसमें एक छोटा सा बर्ड दिखाया गया है जो एक स्विफ्ट बर्ड है और उसका नाम मनु है। कहानी की शुरुआत भी उसी से होती है। हम मनु को एक जगह पर देखते हैं कि तभी उसके पास एक चूहा आकर उसे डराने लग जाता है। तो मनु आगे से ये प्रिटेंड करने लगता है, यानी एक्टिंग करने लगता है कि वो मर चुका है, ताकि चूहा उसे वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ जाए। और ऐसा ही होता है। नेक्स्ट सीन में हम कुछ सीगल्स को देखते हैं। उनमें एक सीगल कपल भी होता है। उस कपल के अंडे में से एक बेबी हैच करने ही वाला होता है और ये दोनों उसके लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। मेल सीगल का नाम येवेस होता है। अब रात को वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो मनु उन्हें दूर से देख रहा होता है। शायद उसके दिल में ये भी बात आ रही हो कि काश मेरे भी पेरेंट्स होते। अब रात ही रात में मनु उस फीमेल सीगल यानी येवेस की वाइफ के पास चला जाता है। फीमेल सीगल उसे दूर भगाने की बजाय उसे अपने साथ ही रख लेती है, क्योंकि वो इतना छोटा सा प्यारा सा बर्ड जो होता है। लेकिन जब सुबह येवेस यानी मेल सीगल ये देखता है तो अपनी वाइफ से कहता है कि तुमने इसको अपने साथ क्यों रख लिया है, ये हमसे कहीं से भी नहीं मिलता। तो उसकी वाइफ उससे कहती है, पर है तो ये छोटा सा परिंदा ही ना। अब वो दोनों उसे अपने साथ रखने पर राजी हो जाते हैं। येवेस उसे कई तरह का गोश्त दाकर देता है, पर मनु को फ्लाई सी पसंद आती है क्योंकि वो साइज में छोटा सा जो है। अब इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और आज का दिन भी आ जाता है जब इन सीगल का अंडा हैच होने वाला है। अंडा हैच हो जाता है और प्यारा सा सीगल बेबी बाहर आता है। अब वो देखते हैं कि मनु भी यहाँ पर है ही, तो क्यों ना मनु को इसकी ट्रेनिंग पर लगा दिया जाए कि वो इसका ख्याल रखे और बाद में इसे उड़ना भी सिखाए और खाना खाना भी। तो वो मनु को कहते हैं कि आज के बाद हमारे बेबी सीगल की हिफाजत यानी प्रोटेक्शन तुम करोगे, जिस पर मनु खुद भी बहुत खुश होता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बड़ा भाई बन गया है। उधर येवेस यानी वो मेल सीगल बाकी छोटे सीगल्स को उड़ने की ट्रेनिंग देने लगता है कि तुम कैसे ठीक से उड़ सकते हो। मनु भी उन सीगल्स में ट्रेनिंग ले रहा होता है, पर जब उड़ने की बारी आती है तो सारे के सारे सीगल्स उड़ जाते हैं, पर मनु थोड़ी ही देर बाद गिर जाता है। ये देखकर येवेस बहुत हैरान होता है कि मनु को तो खुद अभी ठीक से उड़ना नहीं आता। अब इसके बाद उनके स्विमिंग क्लास होती है। यहाँ पर भी सारे के सारे सीगल स्विमिंग करना सीख रहे होते हैं सिवाय मनु के। अब मनु इन सब चीजों से उदास होता है तो एक दिन अकेला ही ट्रेनिंग करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर दो स्विफ्ट बर्ड्स और आते हैं जो उसे ऐसा देखकर कहते हैं कि तुम तो सीगल वाले तरीके से उड़ रहे हो, तुम एक स्विफ्ट बर्ड हो और तुम्हारी अलग पहचान है, तुम अपने परों को फ्लैप करो और देखना तुम कितने अच्छे से उड़ पाओगे। अब जैसे ही मनु ये ट्राई करता है तो वो बिल्कुल स्विफ्ट बर्ड्स की तरह ही माहिर तरीके से उड़ने लग जाता है। वो बहुत कम टाइम में बहुत ऊंची उड़ान भर लेता है। जो दो स्विफ्ट बर्ड्स उसके पास आए होते हैं उनकी एक बहन भी होती है। अब ये चारों यानी मनु भी इन तीनों के साथ मिलकर उड़ने लग जाता है। उधर सीगल कॉलोनी में मनु के अगेंस्ट बातें हो रही होती है। सारे लोग यानी सारे सीगल्स ये से कह रहे होते हैं कि मनु एक स्विफ्ट बर्ड है, वो हमें कभी भी सेटल नहीं हो सकता और ना ही हमारी तरह से ट्रेनिंग कर सकता है, ये ना उड़ पाता है ना स्विम कर पाता है। पर इन लोगों को क्या पता था कि हर बर्ड के उड़ने का तरीका अलग होता है। अब येवेस ये बात अपनी वाइफ और अपने बेटे से करने जाता है जो थोड़ा बड़ा हो चुका है, लेकिन वो दोनों येवेस को कहते हैं कि नहीं, हम मनु को इस कॉलोनी से नहीं निकालेंगे। येवेस का बेटा कहता है कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और वो सीख जाएगा। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन छोटे सीगल्स का फ्लाइंग कंपटीशन होता है और उसमें मनु भी पार्ट लेता है। अब इसी वजह से वो स्विफ्ट बर्ड्स जो मनु के दोस्त बन चुके हैं मनु को इनकरेज करते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने उसी तरीके से उड़ना है जैसे हमने सिखाया है और जिस तरह हमारी पहचान है। अब कंपटीशन स्टार्ट होता है। शुरू में तो लग रहा था कि जैसे सीगल ही जीत जाएगा, लेकिन मनु उसी तरीके को फॉलो करते हुए जिस तरह स्विफ्ट बर्ड्स उड़ते हैं वो काफी तेज उड़ता है और फाइनली उस जगह तक पहुंच जाता है जो विनिंग पॉइंट है। यहाँ पहली बार सीगल्स की रेस में एक पहला स्विफ्ट बर्ड जीत चुका था। वो बहुत ज्यादा खुश होता है और साथ ही साथ इसकी कामयाबी को देखते हुए येवेस भी खुश होता है कि उसे अब लोगों के बातों पर गौर बिल्कुल नहीं करना। वो सीधा मनु के पास जाता है और उसे उस जूनियर सीगल टीम का हेड बना देता है। साथ ही साथ उसे एक और जिम्मेदारी सौंपता है, यानी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि रात को तुम सब के अंडों की हिफाजत करोगे। येवेस को मनु पर इतना ज्यादा भरोसा हो चुका था। अब रात हो जाती है तो मनु काफी खुश होता है कि वो आज की रात ठीक से अंडों की हिफाजत करेगा। लेकिन ये क्या, रात होते ही वहाँ पर कुछ चूहे आ जाते हैं। वो काफी बड़े बड़े चूहे होते हैं जो वहाँ अंडे चुराने आए थे। मनु उनके सामने जाता है और उनसे लड़ाई करता है। वो बाकी सारे अंडों को तो बचा लेता है लेकिन एक अंडा उससे नहीं बचा पाता।
वो काफी दुखी हो जाता है कि वह संडे को नहीं बचा पाया। चूहे उसे मारकर वहाँ से बाहर निकल आते हैं। पर अब जब दिन होता है तो सारे सीगल्स उसे बहुत नाराज होते हैं कि तुमने हमारा अंडा चोरी कैसे होने दिया। वो ये वैसे कहने लगते हैं कि अगर इस जगह पर कोई सीगल होता तो हमें ये ना देखना पड़ता। हाँ, फौरन से पहले मनु को इस कॉलोनी से निकाल दें। अब ये वेस को यहाँ पर उनकी बात माननी पड़ती है और वो मनु से कहता है कि तुम चले जाओ जहाँ से तुम बिलोंग करते हो। अब मनु उड़ता उड़ता एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर एक और बर्ड उसे मिलता है और वो बर्ड उसे कहता है कि तुम एक स्विफ्ट बर्ड हो ना, तो तुम्हें स्विफ्ट के झुंड के साथ होना चाहिए। मनु के जहन में भी एक बात आती है कि अभी तक वो स्विफ्ट बर्ड्स के पास क्यों नहीं गया। वो अपने साथियों के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं तुम्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो उसके दोस्त उसे कहते हैं कि हम तो शुरू से यही चाहते थे। अब मनु भी यहाँ पर आकर खुश रहने लगा था और सब एक साथ हंसते खेलते उड़ते घूमने फिरने जाते। यहाँ पर कोई भी मनु को क्रिटिसाइज नहीं करता था क्योंकि सारे ही मनु की तरह ही स्विफ्ट बर्ड्स थे। लेकिन एक बात जरूर थी, यहाँ पर मनु अपने दोस्त यानी उसे सीगल कपल के बेटे को बहुत मिस करता था और वो भी मनु को बहुत मिस करता था क्योंकि उसका बचपन मनु के साथ गुजरा था। अब एक दिन बाद वो बेबी सीगल ये डिसाइड करता है कि वो अपने दोस्त मनु से मिलने जरूर जाएगा, तो उसे मिलने के लिए आता है। मनु उड़ते उड़ते अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा होता है तो उसे उस सीगल की आवाज नहीं आती जो उसे ही बुला रहा था, बल्कि उल्टा उस सीगल पर चूहे अटैक कर देते हैं। मनु को जब इसकी आवाज आती है वो चूहों को देखता है कि उन्होंने सीगल को पकड़ा हुआ है, तो फौरन से अपने दोस्त को बचाने के लिए जाता है और चूहों को भगाकर उसको खड़ा करता है। अब यहाँ पर मनु खुशी खुशी अपने बाकी दोस्तों को बताता है कि ये मेरा दोस्त है और ये बहुत अच्छा सीगल है। अब यहाँ पर वो बेबी सीगल मनु से कहता है कि तुम जानते हो ना, आगे सर्दियाँ आ रही हैं, हमें खाना ढूंढने के लिए बहुत दूर उड़कर जाना है, मैं तो रास्ते में बोर हो जाऊंगा, तुम मेरे भाई हो मेरे दोस्त हो, आओ मिलकर चलते हैं। पर मनु यहाँ पर सैडली उसे कहता है, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम्हारा बचपन मेरे साथ ही गुजरा है, लेकिन सीगल्स मुझे पसंद नहीं करते, मैं एक स्विफ्ट बर्ड हूँ और शायद उनसे कमतर हूँ। ये कहकर मनु उदास होकर उड़ जाता है। अब उधर मनु बैठा होता है तो उसकी दोस्त आकर उसे बताती है कि स्टॉर्म आने वाला है और हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। उधर जब सारे के सारे सीगल्स जा रहे होते हैं ये सर्दियों के लिए अपना खाना तलाश कर सके, तो वो बेबी सीगल यानी ये वेस का बेटा कहता है कि मैं नहीं जाना चाहता, मैं ये सर्दियाँ यहाँ मनु के पास गुजारना चाहता हूँ, अपने दोस्त के पास। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बड़ा सबर जिसने मनु से बात की थी कि तुम्हें अपनी स्विफ्ट सोसाइटी में रहना चाहिए यानी स्विफ्ट बर्ड्स की कॉलोनी में, वो देखता है कि एक चूहा सीगल का अंडा लेकर जा रहा है, तो ये बात वो मनु और उसके साथियों को बताता है और ये सुनते ही मनु और उसके साथी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ चूहों ने अपना अड्डा बना रखा है। वो एक ऐसा वेयर हाउस होता है जहाँ पर वाइन्स पड़ी हुई है और वाइन के बड़े बड़े बैरल्स है। अब वहाँ पर जाकर इन सब स्विफ्ट बर्ड्स को आइडिया आता है कि क्यों ना वाइन के बैरल को खोल दिया जाए और इसकी वजह से वाइन बहकर उस जगह पर चली जाए जहाँ चूहे रह रहे हैं। वो ऐसा ही करते हैं। जैसे ही वाइन नीचे पहुँचती है तो वो सारे के सारे चूहे भागने लग जाते हैं और जो अंडे उन्होंने जमा कर रखे होते हैं वो वाइन के ऊपर तैरने लग जाते हैं, जिसके बाद एक नेट को यूज करते हुए ये स्विफ्ट बर्ड्स उन अंडों को बचा लेते हैं। अब जब ये स्विफ्ट बर्ड्स अपनी कॉलोनी में सारे अंडे लेकर जाते हैं तो बाकी के स्विफ्ट बर्ड्स उनकी बहादुरी की काफी तारीफ करते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि बेबी सीगल भी इनके साथ है तो वो उसे कहने लगते हैं कि तुम यहाँ स्विफ्ट बर्ड्स में क्या कर रहे हो। तभी मनु को भी रियलाइज होता है कि उसके साथ भी ऐसा कभी हुआ था, तो इसके बाद कितना बुरा फील होता है। जैसे ही वो बेबी सीगल उड़ने लगता है तो मनु और उसके दोस्त भी उसके साथ उड़ने चले जाते हैं। उधर अंडों की पहचान करने के बाद उन्हें पता चलता है कि सारे अंडे तो स्विफ्ट बर्ड्स के भी हैं। तो उन्हें एहसास होता है कि अंडों को बचाने वालों में से एक वो बेबी सीगल भी था। तभी उन अंडों में से एक और अंडा हैच कर जाता है और उसमें से भी एक छोटू सा बेबी सीगल बाहर आता है। मनु को यहाँ पर अपना पास्ट याद आ जाता है और वो अपनी फैमिली को यानी उस कॉलोनी को सब कुछ बता देता है कि हमें सीगल्स की मदद करनी होगी क्योंकि जिस जगह वो जा रहे हैं तूफान इनफेक्ट वहीं से आ रहा है और उनकी जान को खतरा है। अब मनु ने उन सीगल्स को पहले खबरदार भी किया था कि स्टॉर्म आने वाला है, आप अभी अपना सफर शुरू मत करें, लेकिन ये भी सर से भगा दिया था ये सोचते हुए कि शायद वो हमसे ग्रजेस रख रहा है और अपने सफर पे जाने से रोक रहा है। अब उधर सफर में तूफान में घिरे हुए सीगल्स काफी परेशान होते हैं और उनके जहन में आ रहा होता है कि काश उन्होंने मनु की बात मान ली होती, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई थी, स्विफ्ट बर्ड्स उन्हें बचाने के लिए निकल पड़े थे। वहाँ पहुँचते ही वो स्विफ्ट बर्ड सीगल से कहते हैं कि आए मिलकर इस तूफान के दूसरे पार निकलते हैं,
सारे सीकल डर रहे होते हैं क्योंकि कभी भी उन्होंने इस तरह के तूफान का सामना नहीं किया था। अब वो सारे एक साथ उड़ान भरते हुए तेजी से तूफान की दूसरी तरफ निकल जाते हैं और दूसरी वाली जगह स्मूथ होती है। जब ये लोग सेफली तूफान से बाहर आ जाते हैं तो ये भी समझ जाता है कि स्विफ्ट बर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं। वो उनका शुक्रिया अदा करता है और इसके बाद स्विफ्ट बर्ड्स में और सीकल्स में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और ये अलग अलग रहने की बजाय एक ही जगह रहने लग जाते हैं। इन्होंने पास्ट की हिस्ट्री चेंज कर दी थी कि सीकल्स और स्विफ्ट बर्ड्स या कोई भी बर्ड एक साथ नहीं रह सकते या बड़े बर्ड्स और छोटे बर्ड्स बराबर नहीं हो सकते। इन्होंने अपनी दोस्ती से ये बात गलत प्रूव कर दी। इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग यहीं पर हो जाती है।